दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली के वमाना स्थित मूनक नहर का दौरा किया। जल मंत्री के साथ इस मौके पर जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी लिया और बताया कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को पानी के लिए और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन समाधान खोजे जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। जल संकट की इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई। दिल्ली सरकार पानी की समस्या को देखते हुए अलग अलग उपाय पर काम कर रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने बवाना स्थित मूनक नहर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पानी के विषय पर अपनी बातें रखी। दिल्ली सरकार में जल मंत्री ने इस मौके पर हरियाणा सरकार द्वारा छोड़े जाने वाले पानी के स्तर का रिपोर्ट कार्ड भी दिया। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जल मंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से हरियाणा द्वारा दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार जहां अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार पूरा पानी भी नहीं दे रही। इस दौरान जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली में 1050 क्यूसेक पानी मूनक नहर में छोड़ा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा द्वारा दिल्ली में छोड़े जाने वाले पानी का स्तर अब 850 क्यूसेक भी नहीं बचा। उन्होंने कहा कि अगर पानी का स्तर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली में जल संकट और भी विकराल रूप लेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को पानी समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आज हम दोनों कनाल्स के एकदम बीच में खड़े हैं। हरियाणा को 1050 क्यूसेक पानी छोड़ना होता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वजीराबाद में तो पानी का स्तर गिर ही रहा है, पर इन दोनों कनाल्स में, सीएलसी में भी, डीएसपी में भी, जो मूनक कनाल से पानी आना होता है, उसकी मात्रा लगातार घट रही है। अब एक नॉर्मल समय पे हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हरियाणा जब 1050 क्यूसेक पानी छोड़ता है तो दिल्ली 1000 क्यूसेक के आसपास पानी इस पॉइंट पर पहुंचता है। हम बवाना के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हैं, आप देख सकते हैं वहां पे हमारा फ्लोमीटर भी लगा हुआ है। ये मेजर कर रहा है कि दिल्ली में कितना पानी मूनक कनाल से आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आमतौर पर गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या आम हो जाती है, बावजूद इसके संबंध में कोई भी स्थायी समाधान नहीं होता। ऐसे में अगर दिल्ली में पानी का स्तर ऐसा ही बना रहता है तो आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को पानी के संकट से जूझना पड़ सकता है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि पानी की समस्या के लिए दिल्ली की सरकार किस तरह के उपायों पर काम करती है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।